नौकरी खोजने वाले सीख लें ये चीज वरना हो जाएंगे परेशान। वित्त मंत्री ने दी नौकरी खोजने वालों को ये सलाह। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको आज के समय में अपडेट रहने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में अभी जॉब मार्केट पर ग्लोबल स्लोडाउन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर हो रहा है। अगर आप बीते समय पर नजर डालें तो यह बात आपको साफ साफ पता चल जाएगी और इस साल की शुरुआत से लगातार हो रही छटनियों में इसे साफ देखा जा सकता है। इन सब बदलावों को देखते हुए वित्त मंत्री ने सबको एक सलाह दिया है जो आपके बड़े काम आने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 पेश करने के बाद एक टीवी चैनल को शुक्रवार को इंटरव्यू दे रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि अभी दुनिया भर में चल रही आर्थिक नरमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के कारण जॉब मार्केट पर गहरा असर हो रहा है। इससे पहले से नौकरी कर रहे लोग और अभी नौकरी खोज रहे लोग दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्किल्ड जॉब और हायरिंग दोनों के ऊपर बराबर असर हो रहा है। इस तरह के बदलाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रही परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए पहले से जॉब कर रहे लोगों को नई चीज सीखने की आवश्यकता है। उनके पास पहले से कौशल है लेकिन वे पुराने हो रहे हैं। अब उन्हें नए स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियां और जरूरतें सामने आ रही हैं जिनका अभी तक अस्तित्व नहीं था। इसी तरह नए रिक्रूट्स के लिए भी जॉब की रिक्वायरमेंट बदल रही है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार इन बदलाव के बीच लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार लगातार नई मुहिम शुरू कर रही है और नए कार्यक्रम ला रही है ताकि लोगों को अपना कौशल बेहतर बनाने और नए स्किल सीखने में मदद मिल सके। नई चीज सीखने से लोग बदलती परिस्थितियों में नौकरी पाने के लिए बेहतर हो जाएंगे और नौकरी के नए अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के जरिए अब तक 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया हुआ है। इसके अलावा 54 लाख युवाओं के कौशल को बेहतर बनाया गया है और उन्हें नए कौशल सिखाए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 3000 ITI, 7 IIT, 16 IIIT, 15 AIIM और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। अब AI का असर दिखने लगा है, जिसमें नौकरी कर रहे और नौकरी की चाह रखने वाले दोनों के लिए स्वयं को इंटेलिजेंट बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि AI धीरे धीरे उनकी जगह ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।